हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं किटी में जा रही हूँ अपनी। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी किटी का टाइम 5 बजे का था और इस समय 5:45 बज गया है, तो मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। मुझे बाल बनाने हैं बस, और मैंने साड़ी वेयर कर ली है। देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। आज मैंने ग्रीन साड़ी निकाली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। मेरी किटी 5 बजे की है और मैंने शाम का पूरी अपनी तैयारी कर ली है रात के खाने के लिए, क्योंकि वहाँ से आते हुए लेट हो जाएगा। तो मैं फटाफट से आके अपना खाना तैयार कर दूँगी और मुझे पूजा भी करनी है शाम की। देखिए मैंने बाल छोटे करवा लिए हैं अपने। मेरे इस समय बाल लंबे हो गए थे, तो मैंने थोड़े थोड़े से बराबर करवा दिए थे, क्योंकि तो मेरे दाहिन बाएं हाथ में भी बहुत दर्द है इस समय। तो मेरा हाथ भी नहीं उठता है, चोटी वगैरह सही से हो नहीं पाती है मेरे हाथ से। मैंने बाल ही कटवा दिए, जिससे कि बस मैं क्लिप लगा लेती हूँ थोड़ा सा बालों को मोड़ के। देखिए मैं आर्टिफिशियल चैन लेके आई थी। देखिए कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो मैं विशाल मेगा गई थी, शादी में जाना था तो मैं खरीद के लाई थी, लेकिन मैं इसको वहाँ पर लेके गई और मुझे एंड टाइम पे मिली ही नहीं मुझे, तो मैंने नहीं पहन पाई थी मैं उस समय। और देखिए मेरी साड़ी का पूरा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है, मैं बहुत कम ही साड़ी पहनती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी किटी में, आप लोगों को भी ले कर चलती हूँ। लेट हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और 5:05 हो गए और मैं निकल रही हूँ। देखिए मेरा पैंट कैसा लग रहा है, मैंने शादी में नहीं पहना था ये, नहीं पहन पाई थी मैं क्योंकि मुझे मिला ही नहीं वहाँ सामान में अपने, ज़्यादा भाग दौड़ भी वहाँ पे थी, जल्दबाजी में मुझे दिखा नहीं और लेके मैं गई थी लेकिन मुझे दिखा ही नहीं, तो मैंने आज पहन लिया। और मैंने इस वाले ब्लाउज की स्लीव लगवाई नहीं थी पहले, तो मैंने बाद में इसकी स्लीव्स भी मंगवा ली है। तो मैंने कट स्लीव भी बनवाया था लेकिन वो भी ठीक लगता था, तो मैंने इसको स्लीव्स लगवा ली थोड़ी थोड़ी सी, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे भी कभी कभी कंफर्टेबल नहीं लगता था कट स्लीव ब्लाउज। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ और 5:15 हो गया है। अब मैं किटी के लिए जा रही हूँ। मैंने अपनी शाम की पूरी तैयारी कर ली है। मैं किटी में पहुँच चुकी हूँ, लेकिन अभी सभी कैंडिडेट पहुँचे नहीं हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। कुछ फ्रेंड्स आ चुकी हैं, तो सब सभी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। अब खाना पीना स्टार्ट हो चुका है। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए इडली सांभर। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में होते हैं, तो कभी कभी मौका मिलता है सबको मिलने का। सही बनाना इसे है, पूरा दिखा सबको। बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए। प्लीज फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो अच्छी नहीं आई है, बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, आप लोग इग्नोर करिएगा। लेकिन हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया कम लाइट में भी। मौसम भी अच्छा है आज बाहर का, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। पैसे जमा करो भाजी के पैसे तो नहीं है।
ये सही है आपने बताया। ये होना चाहिए। इसमें हमने शुरू में वो कर दी ऊपर फोटो खिंचवा देंगे है ना, डर थोड़ा ना रहेंगे। ये बेचारा कुछ करके नहीं, ये हमारी फेवरेट डिश है, पहले बना के बहुत खाते थे। बता दे रसगुल्ले का मैं स्पेशल तो नहीं बनाते, रसगुल्ले अगर आ गए तो उसका यूज करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट वैसे भी बना सकते। कौन चीनी इतनी बोलेगा, अच्छी आ गई सबसे ज्यादा। तो अब यहाँ पर किटी समाप्त हो गई है, तो फोटो शूट हो रहा है। जब भी किटी होती है तो हम लोग ग्रुप में फोटो जरूर खिंचवाते हैं, बन रहा है और यही एक यादें हैं। गंदा को जोड़े रखे एक साथ, अब हम लोग की किटी समाप्त हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं और हम लोग खड़े होकर कुछ ऐसे ही बातें होने लगी थी। लास्ट में बहुत अच्छा दिन बीता, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब सबसे मुलाकात होती है और सब एक साथ मिलके खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं और सब अपने अपने घर को निकल रहे थे। सबने खूब इंजॉय किया और अगली किटी मेरी निकली है, तो अगली किटी आपको मेरे घर पे देखने को मिलेगी। हम सभी लोग मिलके खूब इंजॉय करेंगे, मैं थोड़ा सा अलग सी तैयारी करूँगी जिससे कि देखूँगी क्या कर सकती हूँ मैं अच्छे से। अच्छा कोशिश करूँगी मैं। प्लीज़ जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,